नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार के यूनिफॉर्म होते हैं और उनका क्या क्या फायदा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल में सिखाता हूं दोस्तों कराटे, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस। तो जी हाँ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कराटे यूनिफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या फायदा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है इसको बोलते हैं दोस्तों काता यूनिफॉर्म। तो दोस्तों, इसका क्या फायदा होता है, जब भी आप काता मतलब होता है दोस्तों फॉर्म। फॉर्म मतलब जैसे कि मैंने बताया था, टेक्निक को मिला के फॉर्म बनता है, जैसे कि किक, पंच और ब्लॉक को मिला के फॉर्म बनता है। तो फॉर्म को जापानीज में काता बोलते हैं। तो काता जब परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों, गेम में दो चीज होता है, एक होता है काता, एक होता है कुमिते। तो काता जब कंपटीशन परफॉर्मेंस करते हैं तो दोस्तों ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये वाला यूनिफॉर्म। इसका एक खासियत है दोस्तों, जब इस यूनिफॉर्म को पहनते हैं ना, और जब वो परफॉर्मेंस, वो टेक्निक्स जब वो काता करते हैं ना, तो उसमें से इतनी एनर्जी निकलती है और जो साउंड निकलता है ना, वो एक्सीलेंट होता है। वो इसी यूनिफॉर्म का कमाल होता है। ये बहुत हैवी यूनिफॉर्म होता है, ये कम से कम 2-2.5 किलो का यूनिफॉर्म होता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और बहुत मतलब इस यूनिफॉर्म को पहनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर फुल एनर्जी आ गई। एक कहावत है ना दोस्तों कि इंसान के अंदर ताकत नहीं होता, उसकी वर्दी के अंदर ताकत होता है। तो सेम दोस्तों, जैसा वर्दी होती है, सेम हमारी ये वर्दी है। तो अगर इसको हम पहन लेते हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूछो मत दोस्तों। तो ये है दोस्तों काता यूनिफॉर्म। जब हम काता करते हैं तो इसमें से साउंड निकलता है जो हम परफॉर्मेंस करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग काता का कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राइट दोस्तों, इस टाइप से। तो ये जो साउंड निकल रहा है दोस्तों, ये काता परफॉर्मेंस, यही इसकी खासियत है इस यूनिफॉर्म की। बहुत सारे कोचेस ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, प्लेयर यूनिफॉर्म पहनते हैं ये वाला। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी का यूनिफॉर्म होता है और बिल्कुल इसमें से साउंड आता है। अब आता है दोस्तों यूनिफॉर्म नंबर टू। तो दोस्तों यूनिफॉर्म नंबर टू है ये। जी हाँ दोस्तों, तो देख रहे हो इस यूनिफॉर्म में अपर भी है और लोअर भी है। ये मैंने फोल्ड करके रखा है, अगर इसको मैं ऐसा फोल्ड करूं तो ये नहीं होगा, इतना फोल्ड होगा, इतना सारा हो जाएगा ये यूनिफॉर्म, इतना बड़ा। इस यूनिफॉर्म की यही खासियत है दोस्तों। इस यूनिफॉर्म को बोलते हैं डायमंड यूनिफॉर्म, राइट दोस्तों, डायमंड यूनिफॉर्म इसका नाम है। इसकी एक खासियत है, इसको करते हैं कुमिते में यूज। कुमिते मतलब होता है दोस्तों फाइट। जब हम कॉम्पिटिशन में कराटे में फाइट लड़ते हैं तो ये यूनिफॉर्म हर प्लेयर पहनते हैं। बहुत अच्छा यूनिफॉर्म होता है, बहुत कंफर्टेबल यूनिफॉर्म होता है, बहुत लूज यूनिफॉर्म होता है। कोई भी मूव करोगे बहुत जल्दी अटैक होगा। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसको पहन के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो मिस हो जाएगा दोस्तों। इस यूनिफॉर्म को पहन के मैं कुमिते की ट्रेनिंग दिखाऊंगा, कैसे स्मूथली अटैकिंग होता है, बिल्कुल लूज होता है दोस्तों। तो इसको मैं खोल के दिखाऊंगा दोस्तों। यह है दोस्तों इसका लोवर, बहुत ही देखो ये बिल्कुल सिमट जाएगा दोस्तों। ये इसकी खासियत होती है इस यूनिफॉर्म की, इतना पतला होता है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम है डायमंड यूनिफॉर्म। ये दोस्तों इस बात की है, बहुत कंफर्टेबल होता है दोस्तों। अब इसका मैं अपर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है इसका अपर, ये है इसका दोस्तों अपर। तो दोस्तों ये बहुत कंफर्टेबल है यूनिफॉर्म, इसको हम लोग कुमिते में पहन के यूज करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, अगर आप लोग बहुत चीप लेना चाहते तो मिनिमम आप कम से कम 2-3 हज़ार तक का आता है। अपने अगर अपने कोचेस से पूछेंगे कितने तक आता है तो वो इतना ही बताएंगे, 2-3 हज़ार तक का आता है ये। और दोस्तों जैसे मैंने ये पहन रखा है, ये भी आपका 2500-2000 तक का आता है दोस्तों। अच्छी क्वालिटी का अगर कंपनी का लोगे तो बहुत महंगा आता है, 14,000-15,000-21,000 एडिडास, नाइकी, रिबॉक, ये सबका बहुत बहुत महंगा आता है ये, वो भी बनाती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म नंबर थर्ड में। तो यूनिफॉर्म नंबर थर्ड है दोस्तों, ये पूरा न्यू यूनिफॉर्म है मेरे पास, ये होता है दोस्तों प्रैक्टिस यूनिफॉर्म। ये जो आपको बहुत सस्ते में मिलता है दोस्तों, ये प्रैक्टिस यूनिफॉर्म होता है। ये ज़्यादा ना मोटा होता है ना ज़्यादा पतला होता है, मीडियम होता है। ये प्रैक्टिस करने के लिए यूनिफॉर्म होता है दोस्तों। तो ये भी आप परचेस कर सकते हो, ये सस्ता होता है, ये कम से कम 1000-1500 तक का आता है दोस्तों यूनिफॉर्म। तो ये आपका
यूनिफॉर्म है नंबर थर्ड। तो ये तीन यूनिफॉर्म है जो कि अलग अलग चीज में अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे प्रैक्टिस करने के टाइम पे ये अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे खाता परफॉर्मेंस करेंगे या किसी का एग्जाम लेते हैं कोचेज लोग, तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। और दोस्तों जब फाइटिंग सिचुएशन बनता है, जब कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो वो डायमंड यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये था दोस्तों यूनिफॉर्म के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये तीन यूनिफॉर्म किस लिए यूज होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बिल्कुल भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। बड़े मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और इतने सारे यूनिफॉर्म खरीद के लाता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करोगे कितने प्रकार के यूनिफॉर्म होते हैं, ताकि उनको भी पता चल सके अगर वो कराटे वाले हैं तो। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी परचेस कर सकते हैं अगर आप लोग भी कराटे सीखते हैं तो। इस प्रकार का यूनिफॉर्म बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। ऐसा लगता है कि आप एकदम मतलब सब कुछ आप जानते हो, इतनी एनर्जी आती है ना पूछो मत। ये खासकर ये यूनिफॉर्म जब मैं पहनता हूँ तो एक्सीलेंट पूछो मत। जब आप काता करोगे तो ये पहनना, कुमित करोगे तो वो डायमंड यूनिफॉर्म पहनना। इसको बोलते काता यूनिफॉर्म, उसको बोलते डायमंड यूनिफॉर्म, और जो थर्ड था उसको बोलते प्रैक्टिस यूनिफॉर्म। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियोज भी आपको पिछले वीडियोज की तरह अच्छी लगी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।